हेलो स्टूडेंट, आज अपने टॉपिक करेंगे जनसंख्या का प्रवास या माइग्रेशन ऑफ पीपल। पृथ्वी के विभिन्न भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान को मानव वर्गों का गमनागमन होता रहता है, इसे हम जनसंख्या का प्रवास या जनसंख्या का स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण के दो प्रकार होते हैं, उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास में जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाते हैं, जैसे यूरोप के मनुष्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि को गए। आप्रवास जिसके द्वारा बाहरी स्थानों के मनुष्य किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन, इटली और फ्रांस आदि देशों से मनुष्यों का आवास होता रहा है। सामान्यतः किसी प्रदेश में जीवन की सुविधाओं और सुखों के लिए ही आप्रवास होता है। मध्य एशिया से अनेक बार जनसंख्या का उत्प्रवास चीन, भारत और यूरोप को होता रहा है। 17वीं शताब्दी से यूरोपीय देशों के मनुष्य भी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि को जाते रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में जो आबादी है उसका विकास यूरेशिया महाद्वीप से बारंबार हुए मानव वर्गों के स्थानांतरण से ही हुआ है। एशिया महाद्वीप के कुछ भाग सदैव ही घनी जनसंख्या के क्षेत्र रहे हैं और इन भागों से बाहर को मानव उत्प्रवास होता रहा है। अब से लगभग 2000 वर्ष पूर्व तक मध्य एशिया भी घनी आबादी का समृद्धशाली प्रदेश था। उस समय मध्य एशिया की जलवायु ऐसी मरुस्थलीय न थी जैसी कि अब सिनकियांग या अराल क्षेत्र की है। तब तक मध्य एशिया से जनसंख्या का उत्प्रवास पूर्व में चीन की ओर, दक्षिण में भारत की ओर और पश्चिम में यूरोप की ओर होता रहा था। उस समय तक मध्य एशिया की जनसंख्या में वृद्धि होते रहने के कारण ये उत्प्रवास होते रहे थे। उसके पश्चात मध्य एशिया की जलवायु शुष्क होने लगी, वनस्पति सूखने लगी, तब बढ़ते हुए उस मरुस्थल में जनसंख्या के जीवन निर्वाह के साधन कम होने लगे, इसलिए जनसंख्या बाहरी प्रदेशों को जाती रही। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है स्थानांतरण के पक्ष, एस्पेक्ट ऑफ माइग्रेशन या प्रवास के पक्ष। प्रत्येक जनसंख्या स्थानांतरण या प्रवास के 5 पक्ष होते हैं, जिनमें विभिन्न दृष्टिकोणों से किसी स्थानांतरण पर विचार किया जाता है। ये पक्ष हैं देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष। किसी प्रदेश से किस प्रदेश को मानव वर्गों का प्रवास हुआ है, किस किस समय में और किन किन कारणों से हुआ, कितनी संख्या में हुआ है और प्रवास स्थायी निवास के लिए हुआ या अल्पकालीन अस्थायी निवास के लिए हुआ है, इस प्रकार की सभी बातों का विचार स्थानांतरण के अध्ययन में किया जाता है। तो जो स्थानांतरण या प्रवास के पक्ष हैं उसमें सबसे पहला पक्ष है देश पक्ष, जिसे स्पेस एस्पेक्ट कह देते हैं। देश पक्ष में यह विचार किया जाता है कि जनसंख्या किस प्रदेश या क्षेत्र से कहाँ को प्रवास करती है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के मनुष्य कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाकर बस गए थे। इस स्थान पक्ष की दृष्टि से स्थानांतरण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं, अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्देशीय स्थानांतरण, अंतर प्रांतीय या अंतर्राज्यीय स्थानांतरण और स्थानीय स्थानांतरण।
तो इसमें पहले है अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण, इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन। इसमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को मानव प्रवास होता है। इस प्रकार के सबसे बड़े स्थानांतरण 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक यूरोप के पश्चिमी देशों से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हुए थे। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, इंटरनेशनल माइग्रेशन। इसमें एक ही महाद्वीप के अंदर एक देश के मनुष्य दूसरे देश को चले जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो जनसंख्या स्थानांतरण हुआ है वह अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण कहलाएगा। फिर है अंतरप्रांतीय स्थानांतरण, जिसको अपने इंटरस्टेट स्थानांतरण या माइग्रेशन कह देते हैं। इसमें एक ही देश या राष्ट्र के एक प्रांत से दूसरे प्रांत को मानव प्रवास होता है, जैसे कि पंजाब के बहुत से परिवार उत्तर प्रदेश में आकर बस गए हैं। फिर है स्थानीय प्रवास, लोकल माइग्रेशन। इसमें एक जिले से दूसरे जिले को या एक गांव से दूसरे गांव या गांव से नगर को स्थानांतरण होते हैं। इसी प्रवास के कारण जापान में 1920 से 1940 तक 20 वर्षों में नगरीय जनसंख्या में 32 से 50% वृद्धि हुई और ग्रामीण जनसंख्या में उसी अनुपात में कमी होगी, क्योंकि लोगों ने गांवों से नगरों की ओर स्थानांतरण किया था। अगला पक्ष है काल पक्ष या टाइम एस्पेक्ट। काल पक्ष में इस बात का विचार किया जाता है कि किसी प्रदेश से मानव वर्गों का स्थानांतरण किन किन युगों में या शताब्दियों में अथवा वर्षों में होता रहा है। काल के विचार से स्थानांतरण निम्न तीन प्रकार के होते हैं, जैसे पहला दीर्घकालीन प्रवास, दूसरा सामयिक या मौसमी प्रवास और तीसरा दैनिक प्रवास। तो इसमें पहला है दीर्घकालीन प्रवास, लॉन्ग एरा माइग्रेशन। दीर्घकाल के बीतने पर या शताब्दियों के उपरांत दीर्घकालीन प्रवास होते हैं। इनका कोई निश्चित समय नहीं होता है, वरन ये अचानक घटित होने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए स्पेन और पुर्तगाल से दक्षिणी अमेरिका के लिए तथा ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से उत्तरी अमेरिका के लिए 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दियों में अनेक बार ऐसे ऐतिहासिक प्रवास हुए थे। दूसरा है सामयिक या मौसमी प्रवास। इसमें जनसंख्या का प्रवास किसी निश्चित समय के अंदर होता रहता है, जैसे प्रतिवर्ष या प्रति दो वर्षों में या प्रत्येक मौसम में। हिमालय के अधिक ऊंचे प्रदेशों में के निवासी शीतकाल में हिमपात शुरू होने से पूर्व ही नवंबर मास में अपने भेड़, बकरियों, पशुओं और परिवारों को लेकर नीची कोशन घाटियों में आ जाते हैं। इस प्रकार के प्रवास को ऋतु प्रवास या ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। तीसरा है दैनिक प्रवास। इसमें किसी महानगर या बड़े औद्योगिक नगर में मजदूरी करके अपनी जीविका कमाने के लिए उस महानगर के समीपवर्ती गांवों या कस्बों से श्रमिक नर नारी प्रातःकाल उस महानगर को चले जाते हैं और सायंकाल वापस अपने गांव या कस्बे को आ जाते हैं। श्रमिकों के अतिरिक्त पढ़े लिखे नर नारियों की भी कुछ संख्या कार्यालयों आदि में लिखा पढ़ी करने के लिए इन महानगरों को जाती आती है। अगला पॉइंट है या पक्ष है कारण पक्ष, जिसे कॉज एस्पेक्ट कह देते हैं या इसे अपने स्थानांतरण के कारक के रूप में पढ़ते हैं। कारण पक्ष में जनसंख्या स्थानांतरण के कारणों पर विचार किया जाता है।
प्रत्येक मानव स्थानांतरण में दो प्रकार की क्रियाओं या शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। पहली उत्प्रवासी शक्तियाँ, जिनके कारण किसी प्रदेश की जनता बाहर को स्थानांतरण करती है, और दूसरी आप्रवासकारी शक्तियाँ, जिसके कारण किसी प्रदेश के अंदर को मानव वर्गों का आप्रवास होता है। तो दोनों प्रकार की शक्तियों या स्थानांतरण की शक्तियों को उत्पन्न करने के लिए कुछ कारण होते हैं, जैसे भौतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण और राजनीतिक कारण। तो इन कारणों को अपने एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें आएगा सबसे पहले भौतिक कारण, फिजिकल कॉजेस। भौतिक कारणों में सबसे अधिक व्यापक प्रभाव जलवायु का होता है। जलवायु के परिवर्तनों से हिमयुगों में मानव प्रजातियों के स्थानांतरण बड़े पैमाने पर होते रहे थे। वर्तमान काल में भी शीत प्रधान टुंड्रा प्रदेशों से और हिमाच्छादित पर्वतीय भागों से लोग शीत ऋतु में गर्म प्रदेशों को प्रवास कर जाते हैं, तथा ग्रीष्म ऋतु आने पर फिर ठंडे भागों में जा पहुंचते हैं। जलवायु के अतिरिक्त अन्य भौतिक कारणों में नदियों की बाढ़ें, नदियों के मार्गों के परिवर्तन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, हिमराशियों का घटना बढ़ना, मिट्टियों का अनुपजाऊ होना, समुद्री तटों का ऊपर उठना या नीचे धंसना आदि हैं। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में सबसे मुख्य बात जीविका के साधन की सुविधा है। जिन प्रदेशों में जीविका निर्वाह में कठिनाइयां आने लगती हैं, वहां से मनुष्य उन प्रदेशों को चले जाते हैं जहां आर्थिक साधनों की सुलभता होती है। मुख्य आर्थिक कारण निम्नलिखित हैं, जैसे अत्यधिक सघनता और निवास के क्षेत्र में जीवन निर्वाह के साधनों की कमी, भारी प्रदेश में कृषि के लिए नई भूमि की प्राप्ति। अगला पॉइंट, अधिक उपजाऊ भूमि के प्रदेश का आकर्षण या सिंचाई की सुविधा, और खनिज संपत्ति की उपलब्धि या फिर वन संपत्ति की प्राप्ति या यातायात की सुविधा या औद्योगिक केंद्रों द्वारा आकर्षण और या व्यापार करने की सुविधा। पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी चीन आदि प्रदेशों में जनसंख्या अत्यधिक सघन हो जाने के कारण वहां से दूसरे देशों को मानव उत्प्रवास होते रहे हैं। चीन के पूर्वी भाग से मलाया, इंडोनेशिया और वियतनाम में जाकर बहुत से लोग बस गए हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कृषि योग्य भूमि मिल सकने के कारण इन भूभागों को यूरोप, चीन, जापान आदि देशों से लोग उत्प्रवास करते रहे हैं। नदियों के बेसिनों जैसे सिंधु गंगा मैदान, यांगटिसी बेसिन तथा समुद्र तटीय मैदानों में उपजाऊ भूमि के कारण अन्य प्रदेशों से जनसंख्या आकर इनमें बसती रही है। तुर्किस्तान, चीन और भारत के मैदानों में मानव आप्रवास हुए थे। अलास्का के बर्फीले देश की कठोर जलवायु को सहन करते हुए भी वहाँ सोने की खानों के पास मानव बस्तियाँ बस गई हैं। ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कुलगाड़ी की सोने की खाने उष्ण मरुस्थल में हैं, और मनुष्यों ने 560 किलोमीटर लंबी पाइपों द्वारा जल ले जाकर उस रेगिस्तान में बस्तियाँ बसाई हैं। औद्योगिक केंद्रों ने भी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति आर्थिक उन्नति कर समृद्ध होना चाहता है। अगला कारण है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से भी जनसंख्या का स्थानांतरण होता है। इसके कुछ उदाहरण अपने देख सकते हैं, जैसे ईसा से 5 शताब्दी पूर्व से लेकर ईसा की 5वीं शताब्दी तक भारत से हजारों मनुष्य अपना धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार करने के लिए म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलाया, थाईलैंड, सुमात्रा, जावा और बाली को गए थे। और अरब से बाहर को उत्प्रवास करने वाले इस्लाम धर्मावलंबियों ने
अपनी सभ्यता को पश्चिम में मिस्र और अफ्रीका के मरुस्थल तथा सूडान तक फैला दिया है, पूर्व में ईरान, अफगानिस्तान और चीनी तुर्किस्तान तक फैलाया है तथा उत्तर में टर्की, पैलेस्टाइन, सीरिया, इराक आदि देशों में फैलाया है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों की ईसाई जनता के दो धार्मिक दलों कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में धार्मिक झगड़े इतने अधिक हो गए थे कि धार्मिक स्वतंत्रता चाहने वाले परिवार यूरोप के देशों से भागकर अमेरिका जा बसे थे। और 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत से लाखों मुसलमान पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से लाखों हिंदू भागकर भारत में आ गए। धार्मिक कारणों से होने वाले ये संपूर्ण विश्व में सबसे बड़े स्थानांतरण हैं। इसके बाद अरब में मक्का मदीना में हज करने के लिए प्रत्येक वर्ष हजारों मुस्लिम व्यक्ति भारत, पाकिस्तान, जावा, ईरान, मिस्र आदि से अरब को जाते हैं, हज करने के बाद वापस अपने देशों को लौट आते हैं। और पर्यटकों, खिलाड़ियों, कलाकारों, संगीतज्ञों, नाट्यकारों, संसद सदस्यों, व्यापारियों आदि की भी हजारों की संख्या प्रतिवर्ष अमेरिका, पूर्ववर्ती सोवियत रूस, जर्मनी तथा अन्य देशों से भारत आती है और भारत से बाहरी देशों में जाती है। इस प्रकार अब सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके बाद है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजस। राजनीतिक कारणों से जनसंख्या का स्थानांतरण मुख्यतः निम्नांकित चार प्रकार की क्रियाओं द्वारा होता है। जैसे पहला है आक्रमण। आक्रमण के द्वारा स्थानांतरण के बड़े उदाहरण अलेक्जेंडर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर, चंगेज़ खान और तैमूर के हैं, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे। उनके साथ आए बहुत से सैनिक भारत में बस गए। फिर है पॉइंट विजय। जब अंग्रेजों ने भारत के राजे नवाबों को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, तब यहाँ राजकाज चलाने के लिए ब्रिटेन से अंग्रेज लोग सरकारी ऑफिसर बनकर यहाँ आने लगे। धीरे धीरे बहुत से अंग्रेज परिवार यहाँ बस गए। अंग्रेजों के ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भी बहुत से मिशनरी और अंग्रेज पादरी भारत में बस गए। अगला पॉइंट है उपनिवेशन। उपनिवेशन के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने अपनी नई बस्तियां बसाई थी। डच लोगों ने इंडोनेशिया में और स्पेन तथा पुर्तगाल के लोगों ने 16वीं शताब्दी में दक्षिणी अमेरिका में अनेक उपनिवेश बसाए थे। फिर है बलात् या स्वतंत्र स्थानांतरण। बलात् स्थानांतरण या फोर्स्ड माइग्रेशन के द्वारा 18वीं शताब्दी में अफ्रीका के बहुत से लोगों को या बहुत से निग्रो लोगों को पकड़कर बलपूर्वक दास बनाकर संयुक्त राज्य आदि को नई बस्तियों में मजदूरी करने के लिए भेजा गया था। द्वितीय महायुद्ध में नाजी जर्मनी की आक्रमणकारी सेनाओं के आगे फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड आदि की बहुत सी जनता शरणार्थी बनकर बाहरी देशों को चली गई थी। जीते हुए देशों से लाखों मनुष्यों को नाजी जर्मनी ने अपनी युद्ध सामग्री बनाने के कारखानों में दास श्रमिकों का कार्य करने के लिए बलपूर्वक स्थानांतरण कर दिया था। इसके विपरीत स्वतंत्र स्थानांतरण या फ्री माइग्रेशन में मनुष्यों को प्रवास करने में अपनी शांट या चॉइस रहती है। स्वतंत्र स्थानांतरण आर्थिक लाभ और संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का प्रवास पश्चिमी यूरोपीय देशों से तथा जापान और चीन से होता रहा है। वर्तमान काल में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि ने अपनी श्वेत नीति के द्वारा स्वतंत्र स्थानांतरण को नियंत्रित कर दिया है।
इसके बाद अगला पक्ष है संख्या पक्ष या नंबर एस्पेक्ट। स्थानांतरण के संख्या पक्ष में इस बात का विचार किया जाता है कि किसी देश से बाहर जाने वाली उत्प्रवासी जनता और बाहरी देशों से आने वाली अप्रवासी जनता की संख्या कितनी होती है। यह संख्या समय समय पर घटती बढ़ती रहती है। बड़ी संख्या में स्थानांतरण के प्रभाव अधिक व्यापक होते हैं। संख्या के विचार से स्थानांतरण तीन प्रकार के होते हैं, जैसे वृहत संख्या स्थानांतरण, मध्यम संख्या स्थानांतरण और अल्पसंख्या स्थानांतरण। मध्य शताब्दियों में और 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में अधिकतर ऐतिहासिक प्रवास बड़े पैमाने पर हुए थे, जो अंतर महाद्वीपीय, इंटरकॉन्टिनेंटल या अंतर्राष्ट्रीय होते थे। वर्तमान काल में सबसे अधिक संख्या दैनिक स्थानांतरण की होती है, जिसमें श्रमिक जनता विशाल औद्योगिक केंद्रों में प्रतिदिन काम करने जाती है और शाम को वापस अपने गांव या कस्बे को लौट आती है। धार्मिक कारणों से होने वाला सबसे बड़ा जनसंख्या स्थानांतरण 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसके बाद अगला पक्ष है स्थिरता पक्ष, स्टेबिलिटी एस्पेक्ट। कुछ स्थानांतरण ऐसे होते हैं जिनमें प्रवासी जनता नए देशों में जाकर स्थायी रूप से बस जाती है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका में यूरोपीय जनता स्थायी रूप से बस गई है। युद्ध और आक्रमण के द्वारा होने वाले स्थानांतरण अल्पकालीन और अस्थायी होते हैं। टुंड्रा, मरुस्थलों और हिमाच्छादित पर्वतों में जो आखेटकों या पशुचारकों के मौसमी प्रवास प्रतिवर्ष होते हैं, वे भी अस्थायी होते हैं। औद्योगिक कारखानों में जो श्रमिकों के दैनिक प्रवास होते हैं, वे भी अस्थायी होते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है संसार के प्रमुख स्थानांतरण, मेजर माइग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड। संसार में मानव वर्गों के प्रमुख स्थानांतरण दो भागों में विभाजित किए जाते हैं, प्रागैतिहासिक स्थानांतरण और ऐतिहासिक स्थानांतरण। इनमें अंतर यह है कि प्रागैतिहासिक स्थानांतर तो मुख्यतः मानव उद्गम केंद्र से बाहर को हुए थे और ऐतिहासिक स्थानांतरण संसार के विभिन्न प्रदेशों में होते रहे हैं। तो इसमें पहला है प्रागैतिहासिक स्थानांतरण, प्री हिस्टोरिकल माइग्रेशन। प्लिस्टोसीन काल के अंतरहिम युगों में हिम राशियों के विस्तार और पीछे हटने से जलवायु में परिवर्तन होते रहे थे। जलवायु की क्रमशः दो अवस्थाएं होती थी, हिमावस्था जिसमें जलवायु अत्यंत ठंडी होने से हिमराशियों का विस्तार होता था, और क्वेश्चन अवस्था जिसमें जलवायु के गर्म होने से हिमराशियां पीछे हट जाती थीं। इन युगों में मानव अपनी प्रस्तरकालीन सभ्यता का जीवन व्यतीत करता था। वह पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। आखेट या भोजन इकट्ठा करने के द्वारा वह अपना निर्वाह करता था। इन कालों में मध्य एशिया से बाहरी भागों को मानव प्रजातियां स्थानांतरण करती रही थीं। साथ ही साथ जलवायु चक्र की अवस्थाओं के अनुसार यूरोप में भी स्थानीय जनसंख्या स्थानांतरण होते रहे थे। इसके बाद अगला स्थानांतरण है ऐतिहासिक स्थानांतरण। ऐतिहासिक स्थानांतरण अंतर महाद्वीपीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय और स्थानीय सभी प्रकार के हुए हैं। ये स्थानांतरण अधिकतर सघन आबादी वाले क्षेत्रों से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को हुए हैं, अथवा सघन क्षेत्रों के अंदर ही गांवों से नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों को होते रहे हैं। कुछ मुख्य प्रवास आगे अपने उनको चर्चा करेंगे उनके बारे में, जिसमें सबसे पहले है यूरोपीय स्थानांतरण। अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरों में सबसे बड़े वे थे जो 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के अर्ध तक यूरोप के देशों से
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साइबेरिया को हुए थे। मानव प्रवास की भारी बाढ़ 19वीं और आरंभिक 20वीं शताब्दी में रही है। 1846 से 1932 तक के समय में लगभग 500 लाख मनुष्य यूरोप से इन नए देशों को गए थे। यूरोप के मनुष्य यूरोपीय सभ्यता और प्रौद्योगिकी को भी अपने साथ ले गए थे। नए देशों की उपजाऊ और नई भूमि पर इन्होंने अपने विज्ञान के प्रयोग द्वारा भोजन सामग्री और कच्चे माल का उत्पादन अत्यधिक बढ़ा लिया और अधिशेष को अपने मात्र देशों को भेजने लगे। यूरोप से सबसे अधिक प्रवास संयुक्त राज्य में हुआ है, वहाँ लगभग 400 लाख मनुष्य गए हैं। इससे कम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है। ब्रिटिश उपनिवेश अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, ब्रिटिश गायना, ट्रिनिडाड, जमैका, अदन, बोर्नियो, मलाया, फिजी द्वीप, पापुआ द्वीप आदि में दूर दूर तक फैले हुए थे। इसी प्रकार फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और स्पेन के उपनिवेश भी अनेक स्थानों में थे। भविष्य में यूरोपीय देशों के मनुष्यों का बाहरी देशों को स्थानांतरण स्थायी रूप से उन्हीं प्रदेशों को होगा जिनकी जलवायु समशीतोष्ण है। उष्णकटिबंधीय जलवायु के ऊंचे तापक्रमों में यूरोपीय लोगों का स्वास्थ्य गिरने लगता है। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवास। पिछले 200 वर्षों में संयुक्त राज्य की जनसंख्या में लगभग 200 गुना की वृद्धि हुई है। संयुक्त राज्य में 1750 में केवल 10 लाख जनसंख्या थी, जो 2000 में लगभग 27 करोड़ हो गई। पिछली 2 शताब्दियों में यहाँ की जनसंख्या बाहरी देशों से आकर बसी है और उनमें उच्च जन्म दर से वृद्धि हुई है। संयुक्त राज्य में जनसंख्या स्थानांतरण के संबंध में 4 बातें मुख्य हैं। पहली, बाहरी देशों से मानव वर्गों का आप्रवास जो मुख्यतः यूरोपीय देशों से हुआ है। दूसरा, बाहर से आए मनुष्यों ने पहले पूर्वी संयुक्त राज्य में समुद्र तटीय क्षेत्र में बस्तियां बसाई। पूर्व में अटलांटिक तटीय पेटी में जनसंख्या अधिक सघन हो जाने के बाद पश्चिमी राज्यों में नई भूमि की प्राप्ति के लिए पश्चिम को स्थानांतरण हुआ। इससे संयुक्त राज्य में कृषि का विकास हुआ। पूर्व में सघन राज्य जनसंख्या के क्षेत्र में औद्योगिक विकास के बढ़ने पर पश्चिम की ओर ग्रामीण जनसंख्या का वापस नगरीय केंद्रों की ओर पूर्व को स्थानांतरण हुआ और पूर्वी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक सघनता होने पर उद्योगों का और जनसंख्या का पुनः पश्चिम की ओर स्थानांतरण हुआ है। इसके बाद है एशियाई स्थानांतरण। एशिया महाद्वीप से बड़ी संख्या में मानव प्रवास प्रागैतिहासिक युगों में अनेक बार हुए थे। ये प्रवास मुख्यतः मध्य एशिया से हुए थे, बाद में पूर्वी चीन से हिंद चीन को, भारत से म्यांमार, दक्षिणी हिंद चीन, मलाया और पूर्वी द्वीप समूह को स्थानांतरण हुए थे। चीन से बाहरी देशों को उत्प्रवास 18वीं और 19वीं शताब्दी में अधिक हुआ था। हजारों चीनी परिवार मंचूरिया, कोरिया, हिंद चीन, मलाया, थाईलैंड और पूर्वी द्वीप समूह में जा बसे थे। संयुक्त राज्य में दास प्रथा समाप्त होने के बाद चीन से हजारों मनुष्य ठेके पर मजदूरी का कार्य करने प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य व दक्षिण अफ्रीका को गए। 1850 में चीनी श्रमिकों का स्थानांतरण हुआ। 1900 से 1910 तक लगभग 2 लाख चीनी मजदूर दक्षिणी अफ्रीका गए। 1922 तक लगभग 18 लाख मनुष्य चीन से बाहरी देशों को गए थे। इनका उत्प्रवास मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यूबा, नेटाल, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, हवाई द्वीप, कनाडा और दूसरे एशियाई देशों में हुआ। जापान की जनसंख्या तीव्रता से बढ़ते रहने के कारण 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जापान के मनुष्य दूसरे देशों को उत्प्रवास करने लगे।
1880 के समीप हजारों जापानी कोरिया में चले गए। जापान से अधिक संख्या में प्रवास हवाई द्वीप को हुआ और फिर संयुक्त राज्य तथा कनाडा को हुआ। 1900 के लगभग ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया को उत्प्रवास हुआ। प्रथम महायुद्ध से पूर्व के इन वर्षों में जनसंख्या की समस्या का कुछ समाधान करने के लिए लगभग 10 लाख जापानी मनुष्य मंचूरिया, कोरिया और ब्राज़ील में जाकर बस गए थे। उत्तरी मंचूरिया की अति ठंडी जलवायु सहन न हो सकने के कारण उत्तरी मंचूरिया से हजारों व्यक्ति वापस लौटकर जापान में ही आ गए थे। जापान के अंदर नगरों के लिए भी स्थानांतरण हुआ था। जापान में तीव्र गति से औद्योगीकरण होने के कारण 1975 से 1980 तक के 5 वर्षों में नगरीय जनसंख्या समस्त राष्ट्रीय जनसंख्या के 30% से बढ़कर 75% हो गई है और ग्रामीण जनसंख्या उसी अनुपात में कम हो गई है। इसका अभिप्राय यह है कि जापान में गांवों की जनसंख्या का नगरों को स्थानांतरण हुआ है। द्वितीय महायुद्ध के बाद से जापानी लोग राजदूतावास, व्यापार आदि के लिए यूरोपीय, अमेरिकन और एशियाई देशों को आते रहे हैं। अगला है भारत में स्थानांतरण। भारत प्राचीन काल से ही घनी जनसंख्या का प्रदेश रहा है। यहाँ की उर्वरा भूमि ने और नदियों के कृषि प्रधान बेसिनों ने भारी मानव वर्गों को आकर्षित किया है। ईसा से 3 शताब्दी पूर्व विशेषतः सम्राट अशोक के राज्यकाल में बहुत से भारतीय धर्म प्रचार के लिए मध्य एशिया, मंगोलिया, ईरान, म्यांमार आदि में गए थे। इसके बाद समय समय पर बाहर से भी आक्रमणकारी भारत में आते जाते रहते थे, जो प्राय हिमालय के पश्चिमी भाग में खेबर दर्रे से आते थे, यूनान के अलेक्जेंडर और मध्य पूर्वी देशों से तथा मध्य एशिया से महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज़ खान, बाबर, तैमूर, नादिर शाह आदि के आक्रमण हुए थे। उनके साथ आए हुए सैनिकों में से बहुत से यहाँ भारत में ही बस गए। यूरोपीय देशों के लोग समुद्री मार्ग से आए थे। अंग्रेजी व्यापारियों ने ब्रिटेन की सरकार की सहायता से भारत में देसी राजे नवाबों की आपसी फूट से लाभ उठाया और भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित कर दिया। 19वीं शताब्दी में बहुत से अंग्रेज़ भारत में आए। इनमें मुख्यतः शासन के प्रबंधक और सैनिक थे। 19वीं शताब्दी में भारत के अंग्रेजी शासकों ने लाखों भारतीयों को बतौर कुली भर्ती करके उनको विदेशों में अंग्रेजी उपनिवेशों में कृषि फार्मों पर मजदूरी का कार्य करने को भेज दिया था। ये लोग गायना, त्रिनिडाड, मॉरिशस, नेटाल, कीनिया, फिजी द्वीप, ब्राज़ील आदि को प्रवासित कर दिए गए थे। 20वीं शताब्दी में प्रथम महायुद्ध के समय बड़ी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती करके अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करने विदेशों में भेजा गया था। उस युद्ध में लाखों भारतीय सैनिक विदेशी युद्ध क्षेत्रों में मारे गए थे। जो भारतीय विदेशों में जाकर बस गए उनकी संख्या लगभग 49 लाख थी। ये भारतीय मुख्यतः श्रीलंका, म्यांमार, मलाया, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, त्रिनिडाड और गायना को प्रवासित हुए थे। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच धार्मिक कारणों से जनसंख्या का स्थानांतरण बहुत भारी संख्या में हुआ था। पाकिस्तान से लगभग 1 करोड़ हिंदू व्यक्ति भारत में आए थे और भारत से लगभग 1 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में पहुंचे थे। पाकिस्तान गए हुए कई सशस्त्रों मुसलमान 1947 से 1952 तक वापस भारत में ही आ गए। 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, से भी भारत में लगभग 1 करोड़ शरणार्थी आए, जिनमें से अधिकांश यहीं बस गए। भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास या तो आर्थिक कारणों से हुए हैं या राजनीतिक कारणों से। आर्थिक कारणों से कृषि भूमि का आकर्षण और उद्योगों में मजदूरों की मांग थी। असम में चाय के बगीचों में मजदूरी करने के लिए
बिहार और उड़ीसा से संथाल तथा अन्य लोग गए थे। मध्य प्रदेश, बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी हजारों श्रमिक असम गए थे। उनमें बहुत से लोग असम में ही खेती करने के लिए बस गए थे। बंगाल में कोलकाता, हावड़ा और हुगली घाटी में स्थित औद्योगिक केंद्रों में मजदूरी करने के लिए कई लाख मनुष्य बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जाकर बस गए थे। राजस्थान से भी कई हजार व्यक्ति, विशेषकर मारवाड़ी लोग, व्यापार और उद्योगों में प्रबंधक या पूंजीपति की हैसियत से बंगाल में जाकर बस गए थे। भारत में हजारों दूतावास कर्मचारी, शिक्षार्थी, ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक, व्यापारी, शिष्टमंडल, संसद सदस्य, कलाकार, प्रोफेसर, मंत्रीवर्ग और पर्यटक अमेरिका, पूर्व सोवियत रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों को जाते हैं। और भारत में मौसमी प्रवास या तो जलवायु की कठोरता के कारण हिमालय क्षेत्र में होता है या श्रमिकों का होता है जो मजदूरी करने के लिए खेतों पर या नगरों में चले जाते हैं। औद्योगिक केंद्रों के आसपास निवासी दैनिक स्थानांतरण करते रहते हैं। इसके बाद अपना टॉपिक है प्रवास या स्थानांतरण के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। तो स्थानांतरण के प्रभाव उत्प्रवासी और अप्रवासी दोनों ही क्षेत्रों में होते हैं और इनमें से कुछ निम्न हैं। जैसे पहला, जनसंख्या भार में परिवर्तन। जिस प्रदेश में जनसंख्या जाती है वहाँ जनसंख्या का भार कम हो जाता है और आर्थिक स्थिति नीचे गिरने से रुक जाती है। नए प्रदेशों में जनसंख्या पहुँचने पर वहाँ उसका जनसंख्या भार बढ़ता है। इससे इसके अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणाम होते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक समेकन, कल्चरल फ्यूज़न। यूरोपीय देशों से बाहर जाने वाले मनुष्य अपने साथ अपनी यूरोपियन सभ्यता भी लेते गए और नए देशों में तथा उपनिवेशों में उन्होंने अपनी सभ्यता का प्रसार किया। भारत, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ईरान आदि देशों की सभ्यता पर यूरोपीय सभ्यता की गहरी छाप लग गई है। इन देशों में पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता का सम्मिश्रण और समेकन हुआ है। फिर है नए देशों का आर्थिक विकास। यूरोपीय देशों से गए मनुष्यों ने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाकर वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा ही इन देशों की आर्थिक उन्नति की है। आगे है पॉइंट, पारस्परिक उन्नति। प्राय ऐसा होता है कि जिस प्रदेश से जनसंख्या उत्प्रवास करती है उस मातृ प्रदेश के लिए वह गई हुई जनसंख्या अपने देश का उत्पादन, खाद्य सामग्री और कच्चा माल भेजती रहती है। नए बसे देशों से यूरोप को अनाज, मांस, दूध, कच्चे माल आदि जाते रहे हैं। इसके बदले में नए देशों को सामान की बिक्री का बाजार मिलता है तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षा मिलती है। गांव से नगरों को होने वाले दैनिक स्थानांतरण से भी नगरों और गांवों दोनों का ही विकास होता है। फिर है जनसंख्या आयु वर्गों पर प्रभाव। जिस प्रदेश से जनसंख्या उत्प्रवास करती है वहां से नौजवान और जवान मनुष्यों का प्रवास होता है तथा बच्चे और बूढ़े उसी प्रदेश में रह जाते हैं। इस प्रकार उत्प्रवासित क्षेत्र में कार्य करने वाले वर्ग में कमी आ जाती है। इसके विपरीत नए बसे देशों में जवानों और नौजवानों का अप्रवास होता है। वहाँ काम करने वाला वर्ग अधिक होने से आर्थिक विकास तीव्रता से होता है। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूर्ववर्ती सोवियत संघ के पूर्वी भाग की तीव्र उन्नति होने का यह मुख्य कारण है। अगला है नए वातावरण से समायोजन। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया आदि की जलवायु यूरोप की जलवायु से भिन्न है। अतः जो मनुष्य यूरोपीय देशों से या संयुक्त राज्य कनाडा आदि से इन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों को जाते हैं वे नए प्रदेशों में पहुंचकर वहां की जलवायु से अनुकूलन करना होता है या समायोजन करते हैं। और भारत में
भारत से जाने वाले मनुष्यों को भी बाहर की जलवायु से अनुकूलन करना पड़ता है। कभी कभी सहन न होने पर वापस भी लौटना पड़ता है, जैसे कि बहुत से जापानी मनुष्य उत्तरी मंचूरिया की कठोर जलवायु को सहन न कर सकने के कारण वापस अपने देश को लौट आए थे। कहीं कहीं सांस्कृतिक समायोजन भी करना पड़ता है और नए देश की भाषा सीखनी पड़ती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की वृद्धि। स्थानांतरण का प्रभाव वर्तमान काल में मानवता के लिए बहुत हितकर हो रहा है। विभिन्न राष्ट्रों के मनुष्यों में परस्पर एक दूसरे के प्रति जानकारी बढ़ती है, पारस्परिक सहानुभूति, मित्रता और सहायता बढ़ रही है। और लास्ट पॉइंट है विज्ञान की उन्नति। पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान से और अपने अपने आविष्कारों को एक दूसरे को बतलाने से वर्तमान काल में वैज्ञानिक उन्नति भी बड़ी तीव्र गति से हो रही है। यदि इन आविष्कारों का सदुपयोग होता रहा तो इससे भविष्य में मानव कल्याण की बड़ी आशा है।